मेरा नाम डैनियल है और मैं अमेरिका के टेक्सास में रहता हूँ। ये बात है 2 महीने पहले की। पूरे शहर में लॉकडाउन होने के कारण मैं उन दिनों ज्यादातर टाइम अपने घर पर ही बिता रहा था। हमारे एरिया में काफी केसेस होने के कारण मैं घर से बहुत जरूरी काम होने पर ही बाहर निकलता था। मैं एक 2 मंजिला घर में किराए से रहता हूँ। मेरे ऊपर वाले फ्लोर में जॉर्ज नाम का एक शख्स रहता है। लॉकडाउन के कारण मैंने काफी दिनों से जॉर्ज को नहीं देखा था, क्योंकि सभी लोग सारा टाइम घर पर ही बिता रहे थे। वैसे भी जॉर्ज से मेरी रेयरली ही बात होती थी। उन दिनों मैं अपना सारा काम लैपटॉप से ही करता था। मुझे सुबह जल्दी उठकर इम्पोर्टेंट ईमेल्स वगैरह भेजने होते थे और इसीलिए मैं रात को जल्दी सो जाता था। एक रात मैं सोने की कोशिश कर रहा था, तभी ऊपर वाले फ्लोर से कुछ आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था कि जॉर्ज अपने घर में जोर जोर से पैर पटक पटक कर चल रहा है। मैं उस नॉइज से काफी डिस्टर्ब और इरिटेट हो रहा था। मुझे लगा कि कुछ ही देर में ये आवाज बंद हो जाएगी, पर करीब आधे घंटे से ज्यादा होने पर भी वो आवाज आती रही। अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, इसीलिए मैं अपने घर से निकला और ऊपर वाले फ्लोर पर जाकर जॉर्ज के दरवाजे पर नॉक किया। काफी जोर से नॉक करने पर भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला। फिर मैं जोर से चिल्लाया और अपने रूम में वापस आ गया। अब वो आवाज रुक चुकी थी। थोड़ी ही देर में मैं गहरी नींद में सो गया। रात के करीब 2:30 बजे मेरी नींद खुली। मेरे रूम में काफी ठंड थी और शायद इसीलिए मेरी नींद खुली थी। मैंने देखा कि मेरे रूम की खिड़की खुली हुई थी और वहां से बहुत ठंडी हवा आ रही थी। मुझे अच्छी तरह से याद था कि मैंने वो खिड़की नहीं खोली थी, और वैसे भी मैं अपने रूम्स की विंडोज हमेशा बंद ही रखता हूँ, तो खिड़की खोलने का सवाल ही नहीं उठता। मुझे थोड़ी घबराहट हुई। मैं चुपचाप उठा और मैंने वो खिड़की बंद कर दी। फिर मैंने बेड के नीचे और क्लोजेट्स में चेक किया, पर वहां पर कोई नहीं था। मैंने लाइट ऑन की और पूरे रूम को अच्छी तरह से चेक किया, वहां कोई भी नहीं था। अब मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ और वापस सोने चला गया। मेरी आंख लगे कुछ ही टाइम हुआ होगा कि जॉर्ज के रूम से वापस आवाज आने लगी। इस बार वो आवाज बहुत तेज थी। ऐसा लग रहा था कि जॉर्ज जानबूझकर फ्लोर पर हथौड़े से वार कर रहा था, और वो आवाज धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। मैं फिर गुस्से में जॉर्ज के घर गया और उसके दरवाजे पर तेजी से नॉक किया, और मैं जोर जोर से उसका नाम भी चिल्ला रहा था, पर जॉर्ज ने तब भी दरवाजा नहीं खोला। मैं गुस्से में घर आया और अपने फोन पर जॉर्ज का नंबर ढूंढने लगा। उसका नंबर मेरे फोन पर सेव नहीं था। काफी ढूंढने पर व्हाट्सएप चैट में मुझे उसका नंबर मिला। मैंने उसको कॉल किया और जॉर्ज ने फोन उठाया। मैंने गुस्से में उसको कहा कि वो शोर करना बंद करे। ये सुनकर जॉर्ज काफी कंफ्यूज लग रहा था। उसने पूछा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने उसे उन आवाजों के बारे में बताया जो उसके रूम से आ रही थी। इसके बाद उसने जो कहा ये सुनकर मानो मेरी जान ही निकल गई हो। जॉर्ज ने बताया कि वो अपने घर पर नहीं है। लॉकडाउन शुरू होते ही वो अपनी फैमिली के घर पर चला गया था। उसने मुझसे पुलिस को कॉल करने को कहा। मैंने तुरंत कॉल कट किया और पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल लगाया। जब मैं पुलिस ऑपरेटर से बात कर रहा था, तभी मेरी खिड़की पर से कुछ आवाज आई। ये वही खिड़की थी जिसे मैंने थोड़ी देर पहले लॉक किया था। मैंने देखा कि कोई आदमी उस खिड़की को बाहर से खोलने की कोशिश कर रहा था। फिर मैंने पुलिस ऑपरेटर से कहा कि वो जल्दी से पुलिस को भेजे। ऑपरेटर ने मुझसे उस आदमी का हुलिया बताने को कहा, पर अंधेरा बहुत ज्यादा होने के कारण मैं उसको कुछ नहीं बता पाया। ऐसा लग रहा था कि उस आदमी ने मेरी बातें सुन ली थी और वो वहां से चला गया। कुछ ही मिनट्स में पुलिस ऑफिसर्स आए और मैंने उनको सारी बात बताई। फिर वो ऑफिसर्स जॉर्ज के रूम में जाने लगे। मैं भी उनके पीछे पीछे ही जा रहा था। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो रूम के काउच पर एक आदमी बैठा था। वो हमारी ओर देख कर ही हंस रहा था। जब पुलिस ऑफिसर्स उसको अरेस्ट करने गए तो वो आदमी मेरी ओर घूरने लगा और मेरी तरफ गुस्से से देखने लगा।
ये देखकर मैं बहुत डर गया और इसीलिए मैं वापस नीचे आ गया। पुलिस ने उस आदमी को अरेस्ट कर लिया और जॉर्ज के वापस आने तक मुझे उस घर पर नजर रखने को कहा और इसके बाद वो वहां से चले गए। अगले ही दिन जॉर्ज वापस आ गया और तब से वो अपने रूम में रह रहा है।